फ्रेंड्स देखिए, ये हमारी दिल्ली की बर्फी, सर्दियों के दिनों की स्पेशल एकदम मुंह में घुल जाने वाली शानदार और स्वादिष्ट मिठाई। दोस्तों तिल खाने के तो हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत सारे होते हैं, और हम देखिए ये कितने सॉफ्ट और दानेदार बनी है। बिलीव मी फ्रेंड्स, इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब होता है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसकी इजी सी रेसिपी। फ्रेंड्स यहाँ मैंने ले लिए 250 ग्राम सफेद वाली तिल्ली। इस तिल्ली को लो फ्लेम पर ही मैंने 3 से 4 मिनट तक के लिए भून लिया था, और अब इसको हम दरदरा पीसेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तिल्ली को मैंने पीस लिया है, और अब आपको मैं इसका फॉर्म दिखाती हूँ। देखिए एग्जैक्टली इस तरह का फॉर्म हमें इसका रखना होगा। ये तिल्ली हमारी रेडी हो चुकी है, अब हम तैयार करेंगे मावा। यहाँ पर मैंने ले लिया है 450 ग्राम मावा। फ्रेंड्स ये बाजार वाला मावा इस तरह के बड़े बड़े पीसेस में आता है, इसलिए सबसे पहले तो हम इसे ग्रेट करेंगे। मावे को ग्रेट करने से है ना, इसमें जो भी लम्स या गुठलियां वगैरह रहती है ना, वो नहीं रहेगी और मावा एकदम एकसार हो जाएगा, जिससे कि मावे को मेल्ट करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। चलिए तो ये मावा हमने ग्रेट करके रेडी कर लिया है। अब जो हमें करना है, एक कढ़ाई रखेंगे गैस पर, फ्लेम कर देंगे लो, इसमें डालेंगे ये ग्रेटेड मावा और इसे चलाएंगे। फ्रेंड्स मावे को हमें सिर्फ मेल्ट करना है, हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि इसका कलर चेंज ना हो। देखिए 2 से 3 मिनट में ही मावा पूरी तरह से मेल्ट हो गया है, तो अब गैस बंद करके इस मावे को शिफ्ट कर लेंगे एक बाउल में। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा मावा और तिल्ली दोनों रेडी हो गया है। अब हम तैयारी करेंगे चाशनी की। इसके लिए कढ़ाई में 200 ग्राम शक्कर डालेंगे, और बिल्कुल शक्कर गीली हो जाए इतना सा पानी डालेंगे। यहाँ मैंने सिर्फ 3 से 4 टीस्पून जितना पानी ही डाला है। फ्लेम रखेंगे हम मीडियम टू हाई। फ्रेंड्स देखिए, लगभग 2-3 मिनट में ही हमारी शक्कर मेल्ट होने लगी है, और चूंकि हमने पानी बहुत कम डाला था, इसलिए ये चाशनी जल्दी से ही तैयार हो जाएगी। चलिए तो सिर्फ 3-4 मिनट में ही चाशनी हमारी गाढ़ी पड़ चुकी है। अब हम इसे चेक करने के लिए 2-4 ड्रॉप इस तरह से एक प्लेट में डालेंगे और इन्हें फैलाकर थोड़ा सा ठंडा करेंगे। उसके बाद उंगलियों के बीच में रखकर इसे चेक करेंगे। देखिए आप देखेंगे कि इसका एक मोटा सा तार इसमें बन रहा है, काफी स्टिकी सी चाशनी हमारी तैयार हो गई। ठीक इस तरह की चाशनी हमें इसके लिए चाहिए होती है। इसी समय हम इसमें 1 टीस्पून देसी घी डालेंगे और इसे चाशनी में मिक्स करते हुए मेल्ट कर लेंगे। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा, तुरंत ही हम इसमें ये मेल्ट किया हुआ मावा डालेंगे। उसके बाद हम डालेंगे ये हमारी क्रश की हुई तिल्ली, और साथ ही डाल देंगे 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, और इन सभी चीजों को चाशनी में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स इस समय हम 3 से 4 मिनट तक इस पूरे मिक्सचर को मिक्स करते रहेंगे, ताकि ये पूरी तरह से मिक्स हो जाए और एकसार हो जाए। अब आप देखिए दोस्तों, ये पूरा मिक्सचर एक जैसा हो गया है। अब तुरंत इस पूरे मिक्सचर को हम एक ग्रीस की हुई ट्रे में डालेंगे। फ्रेंड्स इस ट्रे को मैंने घी से ग्रीस करके ऑलरेडी रख लिया था। अब ट्रे को ठपकारते हुए इस पूरे पेस्ट को फैला देंगे। जब पूरा पेस्ट ट्रे में अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाएगा, हम इसे गार्निश कर देंगे पिस्ता कतरन से, और इसे सेट होने के लिए 8 से 10 घंटे के लिए छोड़ देंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो लगभग 8 से 10 घंटे हो गए और ये तिल बर्फी हमारी पूरी तरह से सेट हो चुकी है। इसके पीसेस काटने से पहले ट्रे को एक बार हम 30 सेकेंड्स के लिए फ्लेम पर इस तरह से गर्म करेंगे। इससे क्या होगा ना कि जो घी हमने ग्रीस करने के लिए लगाया था वो मेल्ट हो जाएगा, और हमें बर्फी काटने और निकालने में बहुत आसानी होगी। अब हम बर्फी को स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। इसके बाद इसे निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसे कितने आसानी से हम निकाल पा रहे हैं। और अब आपको मैं एक बर्फी का पीस तोड़कर दिखाती हूँ। देखा ना आपने कितनी सॉफ्ट बनी है और कितनी शानदार दिख रही है। देखिए फाइनली ये तैयार है हमारी तिल बर्फी। तो दोस्तों देर किस बात की है, आप भी ट्राई कीजिए तिल बर्फी और मजा लीजिए इन स्वादिष्ट घर में बनी तिल बर्फियों का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।